सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। मध्य प्रदेश में कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 28 जगहों पर वोट पड़ेंगे 3 तारीख को। मैं, हमारे सभी साथी पिछले कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं और आज मुझे आगरा की इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिला, आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। इस प्रदेश ने 1.5 साल पहले बहुत सोच समझकर एक सही निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लंबे अरसे के बाद यहां से विदा किया, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तिगड़म बिठाकर पिछले दरवाजे से दोबारा मुख्यमंत्री बनकर हमारी छाती पर बैठ गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोकतंत्र का सम्मान करते हो, मतदाताओं का सम्मान करते हो, जमहूरियत का सम्मान करते हो, जनादेश का सम्मान करते हो, तो आपको सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए था और देखना चाहिए था कि किस कारण से मुझे जनता ने यहां घर बिठाया है। बहुत झूठे वादे किए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन जवाब किसी बात का नहीं दिया। अपने आप को किसान हितेशी बताने वाले मुख्यमंत्री, मंदसौर जिले में निहत्ते किसानों पर छातियों पर गोली चलाई कि नहीं चलाई? भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, यहां सब किसान बैठे हैं भाई, किसकी आमदनी दुगनी होगी मुझे बता दो आप लोग। आमदनी दुगनी करने का झूठा वादा, 15-15 लाख आपके खाते में जमा कराने का झूठा वादा, साल में 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा, और भाजपा के नेताओं को भाषण देने में जरा सोचना चाहिए कि जनता क्या सुनना चाहती है। आप चीन की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, मंदिर की, मस्जिद की, जाति की, बिरादरी की, गोत्र की, लेकिन जो बात लोग सुनना चाहते हैं, जिस वादे पर आपको अमल करने की उम्मीद लोग करते हैं, किसान की, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की, चिकित्सा की, उसकी कोई बात नहीं करते। और आज हम लोग आपके बीच में दोबारा वोट मांगने के लिए इसलिए आए हैं कि नेता की पहचान, इस नौजवान के बारे में मैं मंच पे बैठा बैठा और लोगों से पूछ रहा था, मैंने भाई लड़का बहुत नौजवान है, हारने के बाद इसने 1.5-2 साल क्या किया? सब लोगों ने कहा साहब चुनाव हारने के बावजूद इस व्यक्ति ने अपना जनसंपर्क नहीं छोड़ा। और मुझे खुशी है कि कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दोबारा आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मुझे उम्मीद है इस बार आप लोग, पिछली बार जो हमारा नौजवान साथी रह गया था, इस बार सूद समेत बदला लेकर भारी बहुमत के साथ यहां से आप इसको विधायक बनाकर भेजे भोपाल में। कमलनाथ जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला जब हम मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे दोनों, और ये हिंदुस्तान के संसद में सबसे ज्यादा बार जीते हुए सांसद रहे। प्रशासन के अंदर विकास को धरातल पर उतारने के अंदर, और जिस प्रकार उपचुनावों में आज जो मेहनत करी है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग, अगर के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर इन उपचुनावों के माध्यम से दोबारा भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिले और दोबारा राज कांग्रेस पार्टी का आए, ये आप लोगों के हाथ में है। साथियों, आज एक ऐसा मौका हमें मिला है, नौजवानों को, किसानों को, आपके हाथ में इतनी ताकत है कि अपने एक एक वोट से मध्य प्रदेश का भविष्य आप लोग बदल सकते हो। और मैं जानता हूं कि किसी छलावे में, किसी लालच में, किसी भय में, किसी डर में आप लोग काम करने वाले नहीं हो। मुझे कमलनाथ जी ने पिछले महीने फोन करके कहा कि सचिन जी आप कहां पर हो? मैंने कहा साहब मैं जयपुर में हूं। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे, आपको यहां पर आकर हमारी पार्टी के लिए प्रचार करना है। मैंने कहा कमलनाथ जी अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है,
जब आप चाहोगे, जब पार्टी चाहेगी, मध्य प्रदेश में जिस जगह आप चाहोगे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए डंके की चोट पर आके आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि कांग्रेस पार्टी अकेला वो दल है जो 125 साल से इस मध्य प्रदेश और भारत की भूमि को सींचता है अपने खून पसीने से। ये छल कपट में विश्वास नहीं करता। हमने अगर कहीं गलती भी करी होगी उसको स्वीकार करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस की नीति नियत में कभी कोई फर्क नहीं रहा। हमने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, चाहे युद्ध पर शुद्ध पर युद्ध करने की बात हो, हमने घोषणा पत्र में जो कहा वो कर दिखाया। मध्य प्रदेश के इतिहास में व्यापम से बड़ा घोटाला कभी हुआ नहीं। इतने लोगों की हत्या हुई लेकिन मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल मौन है, बोलने को तैयार नहीं है। और आज भी इतना लंबा 15 साल का शासन करने के बाद आज वो हमसे हिसाब मांग रहे कि आपने 15 महीने में क्या किया। साथियों, ये लड़ाई है सत्य और असत्य की, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आम एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, ये वो चुनाव है जब पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग, आगर के लोग किस पार्टी, किस नेता, किस विचारधारा में अपनी आस्था रखते हैं। मैं आपसे करबद्ध में निवेदन करता हूं, ये वोट विपिन जी को दीजिए, कमलनाथ जी को दीजिए, सोनिया गांधी जी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए। और 3 तारीख को जब मतगणना होगी, मतदान होगा, मैं जयपुर में हूंगा। और आप जानते हो ये वोटिंग मशीन जो है ये आवाज करती है, टी करके बोलती है बटन दबाओ। तो 3 तारीख को नौजवान दोस्तों इतनी जोर से बटन दबाना, वो टी की आवाज मुझे जयपुर सुनाई पड़ जाए कि यहां विपिन जीत गया हमारा चुनाव, इस नौजवान व्यक्ति को भारी बहुमत देकर चुनाव। और 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूं, हमारे आदिवासी और दलित भाइयों को बोलना चाहता हूं, भाजपा और उसके सहयोगी ऐसे लोग हैं जो संविधान में अंबेडकर साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे उनको छीनने से कोई परहेज करने वाले नहीं है। आरक्षण को ललकारने वाले ये लोग हैं, दलित गरीब महिला आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले ये लोग हैं। अगर हम लोगों को दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपको आश्वासित करता हूं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे अगड़े हों, सब लोगों को मान सम्मान के साथ आगे का रास्ता दिखाएंगे। कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए विपिन को अपना आशीर्वाद दीजिए और भारी बहुमत के साथ जिताकर भेजिए। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोगों की झोलियों में भगवान खूब खुशियां डाले, आप परिवार सहित फलों फूलों आगे बढ़ो और आप लोगों का असीम प्रेम और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। अब मैं जिनको आमंत्रित करना जा रहा हूं वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने किसान। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें।